अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमनीपाली नगर ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार के विरोध में छात्रों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर हुए इस हमले के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। एबीवीपी जिला संयोजक श्याम ध्रुव ने कहा कि इस प्रकार की बदले की भावना से एक पत्रकार के खिलाफ की गई कार्रवाई भारत के लोकतंत्र पर अघोषित हमला है। आज हम लोगों ने दर्री जमनीपाली एनटीपीसी गेट पे महाराष्ट्र सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें अर्णव गोस्वामी जी को आर भारत न्यूज के चीफ एडिटर को महाराष्ट्र सरकार ने बिना वारंट के अंदर कर दिया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ एनटीपीसी गेट पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारे अर्णव गोस्वामी जी हैं, जिन्हें उनके पत्रकारिता को दबाया जा रहा है और बिना वारंट के 2018 के मामले में उन्हें कोई सबूत और गवाह नहीं मिला, इस कारण उन्हें अंदर किया गया। जिन्होंने अर्णव गोस्वामी जी ने जो पुराने केसेस हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का जो लेन देन था उस पर पर्दाफाश किया, इस पुराने रंजिशों को लेकर अर्णव गोस्वामी जी को जबरदस्ती पुराने मामले में अंदर किया गया। ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही है, तानाशाही नहीं सही जाएगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे जो भी सच्चाई के विरुद्ध जो साफ करेगा उसके साथ देंगे। आज हम अर्णव गोस्वामी जी के साथ हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव अर्णव गोस्वामी जी के साथ रहेगा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट।